आप देख सकते हैं जैसे ही श्वेता का जो पति है वो मॉर्चरी हाउस शवगृह पहुंचता है तो जो माइका पक्ष है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आप देख सकते हैं एक हंगामा होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें हैं करनाल के शवगृह की, जहां पर जो माइका पक्ष है जैसे ही श्वेता का पति जो आत्महत्या कर लेती है लड़की दो बच्चों की माँ वो है, उनके परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं और पति को जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि पुलिस ने बीच बचाव जरूर किया है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख सकते हैं परिवार है। अब आप देख सकते हैं कि जो लड़का है वो यहाँ जरूर पहुँचा था, जिसके बाद एक हंगामा होता हुआ नजर आया। क्या देखा आपने? सारे ने लिल्ली मारी। मार खत्म कर दी, बाद में फांसी पर दिखावा किया। हाँ दिखावा किया फांसी का। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं आपको ना भी ऐसे ही सजा हो ना, फांसी हो मारे जो कर मानी था। लड़की कहाँ किया, क्या नाम था उसका? लड़की सोनीपत की है। क्या नाम है? सविता। और यहाँ शादी कहाँ हो रही थी? चुरनी हो रही थी। तो इनके ससुराल वाले पहले तंग करते थे? हाँ पहले तंग करते। क्या मांगते थे? दहेज मांगा हुए, कभी 5,000 की डिमांड, कभी 10,000 की डिमांड। यही डिमांड पूरी करते करते गरीब आदमी कहाँ तक करेगा। अब लास्ट के टाइम उसकी वो मौत ही कर दी, खत्म ही कर दी। क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है कि उसको हत्या की है? फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो सोनीपत से यहाँ पर पहुँचा हुआ है, जिसके बाद एक हंगामा होता है। हालांकि जो लड़का है वो यहाँ पर अभी जरूर पहुँचा था, जैसे ही परिवार को बॉडी दिखाई जाती है तो परिवार जो माइका पक्ष है आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोष में जरूर आ जाता है। उनका कहना है कि पूरी बॉडी पर जो है नील के निशान पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग, और बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर जो है लड़का पहुँचता है, जो पति बताया जा रहा है वो पहुँचता है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक बार जो है आपस में एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं मारते हुए जरूर नजर आया। हालांकि जो लड़का है उसको बचा जरूर लिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा परिवार जो सोनीपत से पहुंचा उसमें रोष है। और जो लड़की की माँ है श्वेता महज 23 से 24 साल की बताई जा रही है, और वो लड़की की माँ जो है उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत है। हालांकि अभी बॉडी जो है उन्हें दिखाई गई है और बॉडी देखकर आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार में रोष है। जैसे ही बॉडी दिखाई जाती है कहा जा रहा है काफी ज्यादा जो है नीले निशान बॉडी पर उन्हें नजर आते हैं, जिसके चलते जैसे ही यहां पर पति पहुंचता है जो श्वेता का पति बताया जा रहा है तो एक कहीं ना कहीं जोरदार हंगामा हो जाता है। सोनीपत का रहने वाला परिवार है, लड़की की शादी गांव चूरनी में होती है, जिसके बाद कुंजपुरा थाना से भी पुलिस की जो टीमें हैं वो हालांकि मौके पर जरूर पहुंच जाती है और एक हंगामा आप देख सकते होता है। अभी भी जो माँ की हालत है वो काफी ज्यादा बुरी है, ऐसे में पुलिस जो है फिलहाल लड़के को यहाँ से जरूर लेकर चली गई है।